गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम फुटर पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिग्मा में फुटर्स है, तो उसके पहले पहले फिग्मा में जो फुटर्स है उसका पहले ऑब्जर्वेशंस करेंगे, पहले कैसे डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे अभी फुटर से फर्स्ट है वन कॉलम से, मतलब कि एक ही रो के अंदर एक लोगोज है। उसके बाद सेकंड रो है, सेकंड रो में टोटल 5 कॉलम्स है, कंपनी, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विसेज एंड कनेक्ट विथ हिज ईमेल साइनअप्स। उसके बाद है लोगोस, वन रो में लोगो है, और सेकंड जो 2 रो है उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड से। ओके, तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस लॉगिन सेटअप कर दिया है। अभी हम डायरेक्टली फुटर पे वर्क करेंगे। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपीयरेंस में, फुटर्स, एलिमेंटर्स। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा। ऐड न्यू में यहाँ पे ऐड करूँगा फुटर्स। यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शंस देना है फुटर एंड डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट, यानी कि सभी वेबसाइट के, यानी कि सॉरी सभी पेज के ऊपर हमें दिखना चाहिए। इसके लिए एंटायर वेबसाइट करना होता है। हर पेज, आप जितने भी पेज क्रिएट करते जाओगे उसके ऊपर आपको फुटर दिखता जाएगा। इसके लिए हमें एंटायर वेबसाइट्स करना रहता है। और यहाँ से मैं पब्लिश करूँगा उसको। नीचे का कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना है। अगर जो आप जो रोल वाइज करना हो आपको, तो आप यहाँ से रोल वाइज कर सकते हो। और सेकंड थिंग, यहाँ पे टेम्पलेट्स भी है, अगर आप कोई टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो, कस्टम टेम्पलेट। ओके, तो यहाँ से वो टेम्पलेट भी आप असाइन कर सकते हो। तो लेकिन अभी टेम्पलेट हम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट प्योर एलिमेंटर्स में ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैंने फुटर्स को एडिट एलिमेंटर्स किया। यहाँ पे अभी हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे लोगोस, उसके बाद कंपनीज मेनू, कस्टमर सर्विस मेनू, कस्टमर सर्विसेज एंड कनेक्ट विथ सेल्स एंड उसके बाद ईमेल साइन अप, लोगोस। वन बाय वन करते जाएंगे, नो डाउट्स, और जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से हम उसको सॉल्यूशंस करेंगे और प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो फर्स्ट है अभी मैं कलर्स, सॉरी यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर देता हूँ पहले तो लोगो सेंटर में। ओके, तो फर्स्ट करना है हमें, यहाँ से लेना है 3 कॉलम्स ले लेता हूँ पहले तो। ओके, यहाँ से 3 कॉलम्स, ये वाला सेक्शंस रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से इमेज वाला ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे पहले लोगो ऐड कर दे रहा हूँ लोगोस। उसके बाद फुटर्स का जो बैकग्राउंड कलर है, डबल क्लिक करना है हमें, सिलेक्टेड जो पार्ट से उसी का कोई भी एलिमेंट्स आपको चाहिए रहता है, तो उसके लिए आपको डबल एलिमेंट्स यानी कि डबल क्लिक करना होता है। तो यहाँ से मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्टाइल्स में जाना है। स्टाइल्स में जाके यहाँ पे कलर्स को आपको ब्लैक कलर्स अप्लाई करना है। ओके, ब्लैक कलर्स हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो लोगोज है, लोगो की जो साइज है यहाँ पे, वो थोड़ा बिग साइज है, तो उसका साइज मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, यहाँ से मीडियम्स कर दे रहा हूँ। ओके, नाइस लुक्स, एंड यहाँ पे पब्लिश कर दे रहा हूँ। और एक बार चेक कर लेते हैं हम विजिट साइट्स करके, हमारा हेडर फुटर कैसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये वाला जो हेडर है वो हमें यस्टरडे हमें क्रिएट किया था। उसके बाद यहाँ पे अभी फुटर पे वर्क स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले अभी तो ज़्यादा इधर तो मोस्टली मेनू ही दिख रहा है मेरे को, 1 2 3 4 5। ओके, टोटल 5 कॉलम है लेना है हमें। तो यहाँ से मैं ऐड करूँगा टोटल 5 कॉलम, यहाँ पे 4 कॉलम से वो ले लेते, और एक जो कॉलम से वो एक्स्ट्रा हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते, यानी कि हमारा कितना 5 कॉलम्स हो गया वन रो के अंदर। सेम कलर यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे मेरे को स्टाइल्स में सेम रो को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं उसको अप्लाई कर दिया, पब्लिश कर लेते। अभी हमें क्या करना है, मोस्टली मेनू ही है इधर। ओके, तो यहाँ पे मैं बैकएंड में मेनू क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेनूज में जाके। सो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, वन बाय वन मेनू क्रिएट कर जाते, अबाउट अस, हाउ वी गेट, कैरियर्स, थोड़ा फिग्मा को जूम कर लेते हम। ओके, तो सभी, चलो अभी मेनू क्रिएट कर लेता हूँ मैं फटाफट बैकएंड में। यहाँ से क्रिएट कंपनी मेनूज,
कंपनी मेनू क्रिएट, यहाँ पे पोस्ट लिंक स्टैटिक दे दे रहा हूँ। फर्स्ट है मेरा मेनू अबाउट, अबाउट डन्स। उसके बाद है हाउ वी बैक, यूआरएल हैश हाउ वी गिव बैक, ओके डन। उसके बाद है कैरियर्स, यूआरएल हैश कैरियर्स। नेक्स्ट है प्रेस, यूआरएल में हैश डालना है, प्रेस ऐड करना है। आप कस्टम लिंक भी ऐड कर सकते हो, नो डाउट। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिंक भी पास कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स में, यहाँ से न्यूज़। ओके अबाउट अस, हाउ वी गेट, कैरियर्स, प्रेस और न्यूज़, सारे के सारे मेनू यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। उसके बाद यहाँ पे है कस्टमर सर्विसेज, सो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा नया मेनू है कस्टमर सर्विसेज। ये वाला मेनू मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे वापस न्यू मेनू में क्रिएट कर रहा हूँ कस्टमर सर्विसेज, क्रिएट मेनू। उसके बाद इसमें है कॉन्टेक्ट माय अकाउंट्स, यहाँ पे वापस मैं नया लिंक ऐड करूँगा, हैश टैग कॉन्टेक्ट, ओके। उसके बाद है न्यूज़ मेनू है माय अकाउंट्स, उसके बाद है ट्रैक माय ऑर्डर्स, ट्रैक माय ऑर्डर्स, यूआरएल्स हैश। आपको लगता होगा कि वर्डप्रेस हम 30 मिनट में सीख जाते, 20 मिनट में सीख जाते, 1 आवर्स में सीख जाते, ऐसा नहीं होता है। 1 आवर्स में नहीं सीखते, वर्डप्रेस सीखने में टाइम लगता है। वर्डप्रेस में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि भाई फिग्मा हो गया आ गया मेरे को वर्डप्रेस, कस्टम पोस्ट टाइप सीख गए आ गया मेरे को वर्डप्रेस, ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस में बहुत कुछ स्कोप है, बड़ा स्कोप है। वर्डप्रेस में रिएक्ट भी है, आपको पता होगा। तो जो वर्डप्रेस में जो गुटनबर्ग डेवलपमेंट करते हैं ना, वो रिएक्ट मॉड्यूल्स में डेवलपमेंट करते हैं। तो वर्डप्रेस का जो स्कोप है बहुत बड़ा है, आपका फ्यूचर्स के लिए अच्छा है। और आप इस कंपनी में, कोई भी कंपनी में आप वर्डप्रेस पे वर्क करोगे और अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपका करियर अच्छा है वर्डप्रेस में। क्योंकि वर्डप्रेस में अभी गुटनबर्ग जो मॉड्यूल्स है वो अभी रिएक्ट जेस के ऊपर वर्क करता है, यानी कि पूरे रिएक्ट जेस में उसके मॉड्यूल डेवलपमेंट होते हैं। तो अगर तो आप वर्डप्रेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको रिएक्ट भी सीखना पड़ता है। उसके बाद मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि अभी आप रिएक्ट सीखो। पहले तो आपको पूरा बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए वर्डप्रेस में, कैसे क्या है, टेबल्स क्या है, वो सब क्या है। हमारे चैनल पे है ऑलरेडी, सब मैंने दे दिया है यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, आप बेसिक नॉलेज गेट कर सकते हो। उसके बाद थीम कैसे डेवलपमेंट करना है, उसके बाद फिग्मा कैसे करना है, उसके बाद हुकॉमर्स कैसे करना है, ओके। वन बाय वन स्टेप जाना है, डायरेक्टली नहीं सीखना है, वन बाय वन जाना है। उसके बाद है यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज, यहाँ पे मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ कस्टमर सर्विसेज। तो बहुत बड़ा स्कोप है फ्रेंड्स वर्डप्रेस में, आप देखते होंगे मेरे वीडियोस कस्टमर सर्विसेज, यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज हो गया है, कस्टमर सर्विसेज 2 बार है, ओके। यहाँ पे वापस मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ कस्टमर सर्विसेज 2 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज 2s, यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ मेनू। यहाँ पे शॉप, ब्यूटी, फूड्स, सारे के सारे मेनू यहाँ पे मैं ऐड करते जा रहा हूँ। यहाँ पे आएगा शॉप्स, उसके बाद ब्यूटीज, ओके। उसके बाद है फूड्स। तो कहने का मकसद यही है कि वर्डप्रेस जो आपने सीखना चाहते हो तो बेस से सीखो आप, कोई भी बेस से, यानी कि फर्स्ट कैसे इंस्टॉल करना होता है, कितना टेबल से, क्या हुक से वर्डप्रेस में, ओके। उसके बाद वर्डप्रेस का क्या फ्यूचर से, वर्डप्रेस में हम कस्टम टेम्पलेट कैसे डेवलपमेंट करते हैं,
सारा ट्यूटोरियल यहाँ पे मैंने दिया है हमारे ट्यूटोरियल्स में, चैनल्स में, तो आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी कौन सा मेनू बाकी है हमारा, वेलनेस, वेलनेस मेनू बाकी से, एड मेनू, सेव मेनू हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है कनेक्ट। कनेक्ट के लिए हम यहाँ पे सोशल मीडिया यूज करेंगे और ईमेल साइनअप के लिए हम छोटा सा इनपुट बॉक्स यूज करेंगे। ओके ओके गाइस, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द कॉलम वाइज फुटर्स क्रिएटिंग्स। सो फर्स्ट क्रिएटिंग द टाइटल्स, उसके बाद मेनू ऐड करते जाएंगे। ओके यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ नेविगेशंस मेनू, नेविगेशन मेनू यहाँ से मैंने लिया, उसको मैं चेक करूँगा पहले। सो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले, मैंने जो बैकएंड में जो मेनू क्रिएट किए वो मेनू यहाँ पे नहीं दिखा रहे, इसके लिए मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मेरा फुटर्स पार्ट्स। सो यहाँ पे फुटर्स में फर्स्ट आएगा कंपनी मेनूस, उसका लेआउट कौन सा आएगा, हॉरिजेंटल्स बैक, ओके हॉरिजेंटली रखते हैं यहाँ पे। वर्टिकल्स, ओके वर्टिकल्स आएगा यहाँ पे, वर्टिकल्स मैंने किया है। उसके बाद एक हेडिंग टैग्स ऐड कर देते हैं नॉर्मल्स मेनूस के ऊपर, और उसका जो S3 यहाँ पे फॉन्ट साइज चेक कर लेना पहले, फॉन्ट साइज है 18 पिक्सल्स, यानी कि यहाँ पे हम लेंगे S3 टैग ही लेंगे क्योंकि S3 टैग स्मॉल रहता है, इसकी वजह से यहाँ से उसको पहले 18 पिक्सल फॉन्ट स्टाइल ऐड कर दे रहा हूँ। एंड उसका जो गिलोरी फॉन्ट से, ओके गिलोरी फॉन्ट से, और फॉन्ट वेट है 700, सो यहाँ पे उसका फॉन्ट स्टाइल है 18 पिक्सल्स, और गिलोरी फॉन्ट्स नहीं है, हमने देखा था गिलोरी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एरियल यूज़ करते तो सिमिलर ही फॉन्ट्स है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और फॉन्ट्स स्टाइल्स 100 पिक्सल्स। उसके बाद यहाँ पे है कलर्स वाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे उसका, और टैक्स में यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ, टैक्स से कंपनी, यहाँ से कंपनी चेंज करना है, और यहाँ पे उसको ऐड करते जाना है। ओके उसके बाद यहाँ इसका जो फॉन्ट्स है, और फॉन्ट्स के साइज भी हम देख लेते हैं, मेनूज की साइज है यहाँ पे 16 पिक्सल है, 500 वेट से और गिलोरी फॉन्ट से। ओके सो यहाँ पे स्टाइल्स में जाऊँगा, उसके बाद टाइपोग्राफीज, टाइपोग्राफिक्स में यहाँ पे एरियल ऐड कर दे रहा हूँ, एरियल फॉन्ट्स, और 16 पिक्सल्स, 16 पिक्सल फॉन्ट साइज, 500, 500 हमारा फॉन्ट वेट, यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। ओके सेम कॉपी करना है, अभी एक बार का मॉड्यूल हो गया तो हमें सेम ही यहाँ से कॉपी करना है, ओनली चेंज करना है हमें, जस्ट मेनूज करना है चेंज, बाकी का सेम ही आएगा। ओके तो जो वर्क, जो हमें वर्क करना है, कोई भी वर्क करना है हमें वर्डप्रेस में, या तो कोई भी टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, तो पहले स्मार्ट वर्क करना सीखो, स्मार्ट वर्क वर्क कैसे होता है। अभी आपने देखा हमने कितना फास्ट तीनों तीन मेनू यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया आपके सामने ही, ऐसे स्मार्ट वर्क करना है आपको भी। ओके ये पब्लिश हो गया, उसके बाद यहाँ पे है कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज का यहाँ पे नेम से, यहाँ पे नेम चेंज कर दे रहा हूँ कस्टमर सर्विसेज, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स सर्विसेज है तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ कस्टमर्स फीड, कस्टमर, ओके ओनली कस्टमर रखता हूँ मैं यहाँ पे, कस्टमर रख, सॉरी यहाँ पे मैं सर्विसेज कर दे रहा हूँ, सर्विसेज बेटर रहेगा, टाइटल्स नेम कौन से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सर्विसेज कर दिया। ओके एंड यहाँ पे मेरा हो गया मेनूज आइटम्स, और अभी बाकी है सोशल आइकॉन्स। ओके तो
यहां से मैं उसको कॉपी करूंगा, टेक्स्ट यहां पे पेस्ट करूंगा, और यहां से उसको कॉपी करेंगे कंटेंट कनेक्ट विथ, यहां पे उसका नेम चेंज कर देंगे कनेक्ट विथ बिजनेस टू बिजनेस, एंड यहां पे माइनर सोशल्स आइकॉन्स यहां पे उसको ऐड कर देंगे, सोशल्स आइकॉन को, सोशल्स आइकॉन को यहाँ पे ऐड करना है। ओके, सोशल्स आइकॉन हो गया। उसके बाद उसका स्टाइल करना है, स्टाइल में मैसेज है और इंस्टाग्राम से सोशल्स आइकॉन को ओपन करते हम, और इसका ऑफिशियल्स कलर्स, ये ऑफिशियल्स कलर है, कस्टम्स कलर्स चेक करते हैं, प्राइमरी प्राइमरी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हमें मैसेज आइकॉन चाहिए, तो यहाँ से मैं उसको, यहाँ से तो SVG अपलोड होता है, लेकिन यहाँ पे मेल चेक मेल करता हूँ मैं, मेल्स सेंट मैसेज, यहाँ पे मेल्स आइकॉन है, मैसेज आइकॉन, मैसेज आइकॉन नहीं लगता है मेरे को यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैसेज आइकॉन नहीं है, सो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ये वाला इमेज, यहाँ से मैंने उसको कॉपी किया, एक्सपोर्ट करना है, पहले पूरा सिलेक्ट करना है आइकॉन्स को, पूरा सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ से 2 पिक्सल्स लेना है, PNG ले लेते, कोई बात नहीं, मेल्स आइकॉन्स, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अपलोड्स हो रहा है कि नहीं, एनेबल्स, यहाँ पे जाना है डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में ऑल फाइल्स में जाना है, यहाँ पे मेल आइकॉन को सिलेक्ट करना है, मेल PNG इज नॉट अपलोडिंग, सो मेल ING नहीं हो रहा है, शायद SVG चेक कर लेते एक बार, अपलोड्स अपलोड्स में जाना है, मेल SVG। ओके, हमारा SVG आइकॉन से वो हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे उसका फॉन्ट जो कलर से यहाँ पे वो व्हाइट आ रहा है। ओके, इसका ऑफिशियल्स कलर्स ये वाला है, ऑफिशियल्स कलर्स और ट्रांसपेरेंट है। ओके, कस्टम कलर्स, यहाँ पे कुछ कलर का इश्यूज है, सो आइकॉन का कलर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, शायद आइकॉन कलर ऑफिशियल्स कलर है, कस्टम कलर्स यहाँ से कुछ चेंज करते हैं, प्राइमरी कलर से ये ऑफिशियल्स, उसके बाद कस्टम्स कलर्स। ओके, कोई बात नहीं, तो यहाँ से हम, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है, यहाँ पे मैंने उसको ऐड तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कलर नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, फाइंड्स यहाँ पे, ओके और यहाँ पे आएगा नाइस, आ गया, थोड़ा बहुत सेटिंग करना था, हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आइकॉन से मैंने सोशल लिंक लिया था उसी को ही मैं क्लोन कर लेता हूँ, और इंस्टाग्राम का जो आइकॉन है उसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, SVG एक्सपोर्ट इंस्टाग्राम आइकॉन्स, एंड यहाँ से मेरे को आइकॉन चेंज करना है इंस्टाग्राम्स का, यहाँ से इंस्टाग्राम्स का आइकॉन ले लिया, पेस्ट। ओके, यहाँ पे आइकॉन आ गया, जैसे हमारा फिग्मा में सेम चीज़, यहाँ पे थोड़ा आइकॉन साइज हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से साइज यहाँ से करना है साइज। ओके ओके नाइस, पैडिंग्स थोड़ा कम, उसके बाद रो गैप का कोई इश्यू नहीं। ओके, स्पेसिंग्स, उसके बाद ओके, एवरीथिंग इज अ फाइन्स, कॉलम्स टूज राउंडेड्स, राउंडेड्स की कोई जरूरत नहीं अभी। ओके, इसको थोड़ा हम लेफ्ट साइड कर लेते हैं। ओके, जैसे फिग्मा में वैसे हमने उसको सेट कर दिया, और पब्लिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ईमेल साइन अप
नॉर्मल्स हम यहाँ से ऐड करेंगे, ईमेल वाला यहाँ से, यानी कि यही हम हेडिंग टैग्स यूज करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे हेडिंग टैग्स। इसका नेम हम चेंज कर देंगे यहाँ पे ईमेल साइन अप ईमेल्स, और यहाँ से टैक्स फील्ड सेट करेंगे टैक्स एरिया। टैक्स एरिया में ये वाला टैक्स कॉपी करना है, यहाँ से डबल क्लिक करना है। ओके, डबल क्लिक करते ही यहाँ से टैक्स आ जाएगा, यहाँ से टैक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स फील्ड में जाना है, यहाँ पे करना है। कोई भी चीज़ आपको जो एलिमेंटर्स में, या तो कोई भी चीज़ आपको, सॉरी, एलिमेंटर में कोई भी चीज़ डेवलपमेंट करनी हो तो ऑलरेडी मॉड्यूल्स होता है, इजी होता है एलिमेंटर्स में। सभी मॉड्यूल्स में भी हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से एलिमेंटर फास्ट है और एलिमेंटर्स में अच्छा सा डेवलपमेंट हो जाता है। मेरे को बीवेयर बिल्डर्स, डीवी और ब्रिजी एंड अवाड़ा, सभी पेज बिल्डर का एक्सपीरियंस है। सो इसमें से मैंने गैस किया है कि डीवी बिल्डर्स एंड एलिमेंटर बिल्डर फास्टेस्ट, एंड उसमें डेवलपमेंट करने का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है। फिग्मा में आपको कोई भी कंटेंट्स कॉपी करना हो, या तो कोई भी इमेज गेट करना हो, तो पहले सिलेक्टेड करना है। सिलेक्टेड करने के बाद राइट पैनल्स में जाना है, प्रॉपर्टीज में, उसके बाद उसको कंटेंट गेट करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फिग्मा फाइल यूज़ करने में, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ओके, जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, तो हम उसका सॉल्यूशंस लाएंगे आपके लिए। यहाँ पे अभी है लास्ट में लोगो, अभी मेरे को ये डिज़ाइन वाला लोगो लेना है, तो यहाँ से मैं उसको कॉपी करूँगा और 2 पिक्सल्स करना है PNGs, और यहाँ पे वापस हमें एक नया सेक्शन एड्स करना है, सेम्स मैंने जैसे ऊपर किया था वैसे उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, सॉरी, उसको यहाँ से डुप्लीकेट करना है। और यहाँ पे इमेज वाला पार्ट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे आई थिंक 4 हो गए, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, नाइस। और यहाँ से हम अपलोड्स करेंगे, अपलोड्स वाला जो डिज़ाइन से कॉपीराइट्स यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से कलर्स भी मेरे को चेंज करना है, ब्लैक कलर्स। ब्लैक कलर्स यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, फाइंस, डिज़ाइन भी हमारा प्रॉपर सा आ गया है, लेकिन थोड़ा जो है ना साइज हम स्मॉल कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी साइज हो गई इमेज की। ओके, फिग्मा का ही चेक कर लेते हैं हम पहले, तो फिग्मा में जो साइज होगी, वेट है 172, यहाँ पे 172 किया तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा साइज। चलो ठीक है, फिग्मा के हिसाब से ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 172 किया। एक बार पब्लिश करते एंड प्राइवेट विंडो में चेक करते हैं हमारा हेडर्स लुक कैसे दिख रहा है, यहाँ से प्राइवेट विंडो में चेक करते हैं। ओह वेरी कूल, यहाँ पे आप देख रहे हो फिग्मा हमारा जो फुटर से फाइन्स लग रहा है, एज इट इज ही लग रहा है, जैसे हमें फिग्मा में था वैसे ही यहाँ पे हमें वर्डप्रेस में उसको डेवलपमेंट्स किया। तो आप भी अपना करियर वेब डेवलपर्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट्स में कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ता है, बाकी सब हो जाता है। हर चीज़ पॉसिबल से, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल से। यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से उसको पेस्ट करना है, उसके बाद वापस इसका जो कलर्स है उसका कलर्स हम वापस यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ से उसको चेंज करना है, स्टाइल में जाके चेंज करना है, यूआरएल्स, सॉरी, बैकग्राउंड कलर्स। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है मेरी बार बार, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो इतना। स्टाइल्स में है अभी मेनूज है, मेनूज को लेआउट सेट करना है, हॉरिजेंटल्स, ओके, हॉरिजेंटल से आउट करना है और उसको अलाइनमेंट सेंटर दे देना है।
सेंटर अलाइनमेंट दे दिया, उसके बाद वापस नेरे को एक नीचे एक मॉड्यूल ऐड करना है, तो इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मैंने नेविगेशन यूज़ किया था उसको रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ पे टैक्स फील ऐड कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे टैक्स फील ऐड करने के बाद यहाँ का जो टैक्स है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और उसका जो कलर्स है यहाँ पे मैं उसको वाइट कर दे रहा हूँ इस कलर्स को। मतलब हर एक चीज को आपको नया सेट करना हो उसके लिए आपको नया रो लेना ही है 100%। ऐसे नहीं कि एक ही रो के अंदर सब करते जाओ, उसमें क्या होगा फिर रिस्पॉन्सिव में इश्यू होगा, आपको ज्यादा फिर दिक्कत आएगी। मैं रिस्पॉन्सिव व्यू भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम रिस्पॉन्सिव व्यू एलिमेटर में फिक्स करते हैं। तो आप इस चैनल पे नए हो तो जरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक करो, एंड मैं आपको यहाँ पे एक्स रिस्पॉन्सिव व्यू कैसे फिक्स करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो नो डाउट एलिमेंटर्स में कैसे रिस्पॉन्सिव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन बॉटम में दे देता हूँ, 100 पिक्सल तो नहीं आएगा लेकिन पैडिंग बॉटम यहाँ पे मैं उसको 100 पिक्सल दे दे रहा हूँ। ओके यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ। अभी सेव करने के बाद यहाँ पे है कुछ बटन्स, सॉरी यहाँ पे कुछ मेनूज है, प्राइवेसी टर्म है, यूज डोंट सेल इंफॉर्मेशन, एक्सेबिलिटी। चलो इसका भी हम मेनू क्रिएट कर लेते हैं, 4 मेनू तो हमें ऑलरेडी क्रिएट किए ही है तो इसका भी क्रिएट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस, सो टर्म्स एंड कंडीशंस मेनूज। ओके तो यहाँ पे मैंने टर्म एंड कंडीशंस मेनू क्रिएट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं उसका मेनू ऐड करूँगा, URL में हैश URL हैश आएगा। उसके बाद मेनूज है प्राइवेसी पॉलिसी, मैन्युअली ऐड कर देते प्राइवेसी एंड पॉलिसी पॉलिसी ऐड मेनू। नेक्स्ट मेनू है टर्म ऑफ यूज, URLs में आएगा टर्म्स एंड यूज। उसके बाद है डोंट डू नॉट सेल माई इंफॉर्मेशंस, डू नॉट सेल माई इंफॉर्मेशंस। सो यहाँ पे हैश डू नॉट सेल माई इंफॉर्मेशंस। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आप जितना पूरा वीडियो देखोगे उतना ही आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अगर आप ब्रेक कर दोगे वीडियो तो आपको क्या होगी, और आपको दूसरा दिन देखना पड़ेगा और चौथा दिन आपको देखना पड़ेगा, बार बार आप वीडियो देखोगे। उसके बेटर है कि एक ही बार पूरा वीडियो देखो और सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करो, मैं तो यही कहता हूँ आपको। क्योंकि उसमें क्या है कि आप जितना जितना जल्दी आप वीडियो देखोगे उतना जल्दी आप आपके माइंड में रहेगा कि नहीं क्या किया था हमें इसके इस वीडियो में, हमने क्या फिक्स किया था। ओके नहीं तो आप आज वीडियो देखोगे और उसके बाद 1 वीक के बाद आप नया नया डेवलपमेंट करोगे तो वापस आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और डेवलपमेंट करोगे तो वापस आपका टाइम जाएगा। उसके बेटर है आपने सपोज के आज वीडियो देखा आपने, ओके तो आप इवनिंग में डेवलपमेंट कर सकते हो, आपके टाइम के हिसाब के ऊपर है आप कैसे डेवलपमेंट करते हो, आप कितना टाइम देते हो। तो यहाँ पे मैं उसको कहने का मीनिंग यही है कि पूरा वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कैसे डेवलपमेंट किया है हमने, नहीं तो आपको बार बार वही चेक करना पड़ेगा फुटर्स में हमें क्या किया था, कस्टम मेनू कैसे क्रिएट किए थे सर ने। ओके पब्लिश। ओके यहाँ पे हमें उसका मेनू भी सेट कर दिया है, अभी यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। फुटर्स का जो लुक से हमारा बहुत नाइस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ऊपर वाला मार्जिन टॉप दे देते हैं यहाँ से, फुटर्स वाला 100 पिक्सल दे देते हैं यहाँ से, पैडिंग्स
ओके okay. यहाँ से पब्लिश, इसके बाद इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं सेम पेज पे. ओके नाइस, लुक लुक बहुत बढ़िया है. लेकिन ये वाला जो लोगो है ना, ये वाला लोगो हम थोड़ा स्मॉल कर देते हैं यहाँ पे लोगो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है. सो यहाँ भी इसकी स्मॉल साइज कर देते हैं 75. पब्लिश, वापस चेक करते हैं हम यहाँ पे प्राइवेट विंडो में. ओके नाइस, यहाँ पे जो टैक्स है उसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं. ये वाला नीचे वाला जो मैंने टैक्स ऐड किया है उसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं. यहाँ से टैक्स अलाइन सेंटर्स, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं हम सेम वीडियो में, ऐसा नहीं है. ओके लुक इज अ नाइस. एंड यहाँ पे हमारा टोटली जो है फुटर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. लेकिन यहाँ पे एक चीज बाकी हो रह गई है हमारी, ये आप देख रहे हो यहाँ पे साइन अप्स वाला जो है. यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है. यहाँ पे आपको है ना मेल चिम वाला जो प्लगइन्स आता है, आपको वर्डप्रेस में काफी सारे प्लगइन मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म से, ग्रेविटी फॉर्म से, उसके बाद मेल चिम फॉर्म से. तो आपको बैकएंड में एक नया फॉर्म क्रिएट करना होगा, ओके सब्सक्राइबर करके, और उसका शॉर्टकोड आपको यहाँ पे उसको पेस्ट करना होगा. फॉर्म पहले ब्रैकेट में क्रिएट करना होगा, उसके बाद क्रिएट करके ओनली सिंगल फील्ड ही करना है आपको, इनपुट बॉक्स, ये आपके लिए टास्क है. इनपुट बॉक्स करना है सिंपल्स, और उसके बाजू में बटन ऐड करना है, और यहाँ से आपको उसको साइन अप करना है, जस्ट डिजाइन बेस करना है. तो यहाँ से मैं उसको क्या करूँगा, पहले यहाँ से उसको मैं जस्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ आपको, मैं जस्ट यूआई क्रिएट करके देता हूँ अभी. अभी आपको ये वाला टास्क करना है, तो यहाँ से मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ इमेज के, इसमें इमेज के माध्यम से मैं यहाँ पे इसका चेक कर दे रहा हूँ, आपको अपलोड कर दे रहा हूँ. सो यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे. तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स या तो ग्रेविटी फॉर्म्स, मेल चिम फॉर्म्स, या प्लगइन में जाके यहाँ से, और उसका ये मेरे को यूआई करना पड़ेगा, सीएसएस करना पड़ेगा, यानी थोड़ा लॉट्स ऑफ टाइम स्पेंड होता है, 30 मिनट जैसा टाइम स्पेंड हो रहा है. तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेविटी फॉर्म्स नोट कर लो, ग्रेविटी फॉर्म्स, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स और मेल चिम फॉर्म्स, ओके, और सब्सक्राइबर कर करके प्लगिंग भी आते हैं. आपके पास टोटल चार ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन में से कोई भी एक प्लगिंग इंस्टॉल कर सकते हो और सेम डेवलपमेंट यहाँ पे यूआई कर सकते हो एलिमेंटर्स में. ओके अगर आपको यहाँ पे क्या है कि एलिमेंटर्स में आप यहाँ पे फाइंड करोगे कॉन्टेक्ट फॉर्म्स, तो यहाँ पे आपको मॉडल्स नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लगिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लगिंग्स में जाके बैकएंड में फॉर्म्स क्रिएट करना पड़ेगा कोई भी प्लगिंग्स का, और उसका जो शॉर्टकोड्स आएगा आपका वो यहाँ पे जस्ट आपको टेक्स्ट एडिटर में रखना है. ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यूज करना है, और उसकी जगह पे यहाँ पे उसको ऐड कर देना है. ओके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मेरे को बताना. ओके तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो यहाँ पे हमारा जो फुटर्स पार्ट है यहाँ पे डन हो गया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.